हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ गांव चौधरी पुरवा के प्रमोद कुमार पुत्र स्वर्गीय राम रतन ने शासन प्रशासन को तहरीर देकर बताया कि हमारी बहन ममता, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, गांव के ही विद्याराम पुत्र मिश्री लाल, पुत्र स्वर्गीय महंगे दीपक, पुत्र राम प्रकाश, पुत्र विश्राम आदि लोगों ने ममता की अश्लील फोटो और वीडियो पूर्व में बना ली थी। लगभग एक वर्ष से बराबर हमारी बहन को ब्लैकमेल करते रहे, जिसकी शिकायत बीती पाँच सात तारीख को परिजनों ने बिलग्राम पुलिस प्रशासन से की थी, लेकिन बिलग्राम पुलिस प्रशासन ने सुलह समझौता करवा दिया था, जिससे विद्याराम, मिश्रीलाल, दीपक, महेंद्र आदि लोगों के हौसले और भी बुलंद हो गए। बराबर ममता को ब्लैकमेल करते रहे। दिनांक 10 तारीख को समय लगभग 9:30 बजे विद्याराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपू पुत्र राजभक्त के मक्के के खेत में बुलाया, अपने फोन से अश्लील फोटो वीडियो दिखाया। जब ममता ने विरोध किया, विद्याराम ने मारा पीटा, मारने के बाद हत्या कर दी। ममता के शव को अपने साथियों के साथ मिलकर समय दोपहर 2 बजे प्रमोद के प्लाट में छप्पर के बांस में लटका दिया, जहां पर कोई नहीं जाता है। मृतक की छोटी बहन भूसा लेकर घोड़े गई, तब देखा ममता बहन रस्सी से छप्पर में लटकी हुई है, तभी वो भाग कर गई। जहां पर उसकी भाभी घर में काम कर रही थी, उसने पूरी बात अपनी भाभी को बताई। उसने कुछ घर के सदस्यों को बुलाकर ममता का रस्सी में बंधा शव उतार दिया। छोटा भाई, माता, भाभी घर पर रहती थी। प्रमोद, विष्णुपाल, उपेंद्र, अखिलेश, अमरदीप सभी लोग बाहर दिल्ली और भिवानी में मेहनत मजदूरी करते हैं। घर पर नन्हे ममता की छोटी बहन ममता जी रहती थी। ममता की माता और छोटी बहन खेत पर भूसा इकट्ठा करने गई थी। भाई नन्हे जानवर चराने खेत गया था। ग्रामीणों को काफी भीड़ लग गई, जिसकी सूचना ट्विटर के माध्यम से बिलग्राम पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे बिलग्राम पुलिस प्रशासन ने लगभग 8:15 बजे शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम में रखकर वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि तहरीर देते वक्त ट्विटर पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था। बिलग्राम पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है कि खबर दिखाने के बाद पीड़ित परिवार को बिलग्राम पुलिस और शासन प्रशासन से न्याय मिलेगा या फिर पीड़ित परिवार को न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पूरी घटना। हमारा नाम प्रमोद कुमार है, कटरी छिबरामऊ चौधरीपुरवा का रहने वाले हैं। थाना बिलग्राम है, जनपद हरदोई है। हमारी बहन कुमारी ममता देवी, उसकी उम्र 16 वर्ष थी, जो कि घर पे उसकी गंदी वीडियो नहाते समय बना ली, और विपक्षी विद्याराम जो उसकी फोटो ब्लैकमेल करता था, जो बहन को फ़ोन करके मक्का के खेत में बुलाया, वहाँ उसको क्या बात हुई, मारा पीटा, और उसके बाद में उसको मार के मक्का के खेत में वहीं से पास में बंगला रखा हुआ था उसमें लटका दिया। लटकाने के बाद विद्याराम जो है दिल्ली को फरार हो गए, और हमारी आज तक कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। कितने दिन पहले आपकी बहन का वीडियो बनाया गया था? वीडियो हमारा बहन का जो है 6 जुलाई को सन 2023 में बनाया गया था। उसी टाइम हमने थाने में तहरीर भी दी थी। उस तहरीर में हमारा सुलह समझौता, काफ़ी लोग गांव के 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, सुलह समझौता हो गया था। बोला अब हम ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे। वीडियो जो बनाई थी वो सब पुलिस ने डिलीट करवा दी थी। उसके बाद उसने दूसरे मोबाइलों में वीडियो ब्लैकमेल कर रखी थी, और दूसरे मोबाइल से बहन को डरवाता था, धमकाता था, और जो है उससे गंदी हरकतें करता था। उसकी डर से जो है बहन बहुत परेशान रहती थी, ना तो खाना खाती थी, ना कुछ, डरी हुई बहुत रहती थी, और भाइयों को भी नहीं, थोड़ी बहुत बातें भाभी को बताती थी कि भाभी हमारे साथ ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं। जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली तो हमने थाने में तहरीर दी। उसके बाद उसमें सुलह समझौता हो गया। फिर भी हमारी बहन को तंग करना बंद नहीं करा। विद्याराम मिश्री का लड़का था, कटरी छिबरामऊ चौधरीपुरवा का रहने वाला है, हमारे पड़ोस में ही घर है उसका। ममता को किसने उतारा था? ममता का अंतिम जन्मदिन। क्या नाम है आपका? मीना। और दूसरा? सोबित। आपका? और आप भी मौके पे थे? क्या नाम है आपका? सरिता। अच्छा, आप तीनों लोगों ने लटका हुआ ममता को उतारा होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ की रहने वाली हैं? पिताजी का नाम क्या है? राम रतन। राम रतन, क्या घटना हो घटी है आपके यहाँ? हम आए थे खेत से भूसा लेकर, तब हम अंदर से गए थे घर, यहाँ पर ले जो उधर से आए, तो विद्याराम भीतर थे, और हम जब हमने देखा तब भाग गए, और फांसी लगाकर मेरी बहन होना लटकी थी। जब हमने देखा तब भाभी को अपने बुलाने। विद्याराम किसके लड़के हैं? श्री गहरे। कहाँ के रहने वाले हैं? चौधरीपुरवा कटरी छिबरामऊ। चौधरीपुरवा के रहने वाले हैं।
बहन का क्या नाम है आपकी? ममता। ममता, ये किस समय की है घटना? 4 बजे की। 4 बजे, लगभग 4 बजे की? 4 बजे दिन की है। आप लोग कहाँ थे? हम कटरी से भूसा लेकर आए थे। घर में कौन कौन था सदस्य? कोई नहीं था, भाभी को अपने बुलाने गए थे वाले घर। बहन का क्या नाम है? ममता। ममता, उम्र क्या होगी? 15 साल। 15 साल, ठीक है।